Hello viewers, what is Pegasus spyware, how it works and how it hacks into the WhatsApp? Pegasus is in the news. It is a spyware developed by Israeli company, and the way it's worked make it almost impossible for a victim to know that they have been hacked. Pegasus एक इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया स्पाईवेयर है जो कि आपके फ़ोन में बिना बताए आ जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, चाहे आप कोई लिंक क्लिक करिए या ना करिए। सो पेगासस इज द स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली कंफर्म NSO गवर्नमेंट रिपोर्टेडली यूज दिस स्पाईवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्पाई ऑन सम पीपल। और गवर्नमेंट जो होती है वो इस स्पाईवेयर को यूज़ करती है डिफरेंट कंट्री को स्पाई करने के लिए। पेगासस कैन बी यूज टू हैक इनटू स्मॉल स्मार्टफोन एंड स्कूप डिटेल्स ऑफ द व्हाट्सएप चैट। और इसको यूज़ किया जाता है फ़ोन को हैक करने के लिए और व्हाट्सएप चैट को फाइंड आउट करने के लिए। पेगासस इज इन द न्यूज़ अगेन। लास्ट वी हर्ड ऑफ इंडिया वॉज इन 2019 वेन सम व्हाट्सएप यूजर इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट रिसीव मैसेज फ्रॉम व्हाट्सएप टेलिंग दैम दैट पेगासस कॉम्प्रोमाइज्ड हिज देयर फोन। कुछ यूज़र्स ने बताया कि व्हाट्सएप को थ्रू उनके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज किया गया। इस पेगासस इज अ स्पाईवेयर, लोग कहते हैं सच्ची में ये स्पाईवेयर है। पेगासस इज अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली कंपनी एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी ग्रुप फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इंटेलिजेंस सर्विस दैट कैन बी कन्वर्टली इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन रनिंग मोस्ट वर्जन ऑफ iOS एंड एंड्रॉयड। The current Pegasus software can be exploited all recent iOS version up to iOS 14.6. या iOS version में आपका install हो जाता है और almost सारे iOS version को hack कर सकता है। What does Pegasus spies are do? Pegasus spy ने क्या किया करता है? The program infects the target phone and send back data including photos, message, audio, video, recording. ये इसमें फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके फ़ोटो, मैसेज, ऑडियो, वीडियो सबको, रिकॉर्डिंग को सेंड बैक करता है। हाउ डज द पेगासस स्पाई वर्क, तो कि यह काम कैसे करता है? द इनिशियल हैक्स इन्वॉल्व अ क्राफ्टेड SMS और आई मैसेज दैट प्रोवाइड्स अ लिंक टू अ वेबसाइट। If click this link delivers malicious software that compromises the device. The aim is to seize full control of mobile device operating system either by rooting or jailbreaking. इसका सारा काम ये है कि एक पहले malicious link आपके पास भेजता है वेबसाइट पे, अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो ये आपका इसमें इंस्टॉल हो जाता है और चाहे आप क्लिक करें लिंक या ना करें, ये इसकी इसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है बाय रूटिंग और जेलब्रेकिंग मेथड। हाउ डज पेगासस गेट ऑन योर फोन? सो नाउ पेगासस यूजेस आई मैसेज टू गेट इनटू फोन। तो जनरली वो इंटरनेट मैसेज यूज़ करके ही आपके फ़ोन में आ जाता है। द मैसेज अराइव इन द इनबॉक्स एंड इवन द यूज़र डजेंट ओपन इट द केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज डाउनलोड पेगासस ऑन टू द फोन। ये पहले आपके मैसेज में आता है और उसके बाद आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। हाउ कैन इट अफेक्ट योर फोन? तो अगर वो डाउनलोड हो जाता है तो वो कैसे फ़ोन को अफेक्ट करता है? इफ़ योर फोन हैज़ बीन अटैक्ड बाय दिस स्पाई इट कैन आल्सो एसेस योर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेगासस कैन सी योर मैसेज, ट्रैक योर कॉल्स, इवन ट्रैक योर ऐप एक्टिविटी। Apart from this, it can also affect your location and data of video camera. और एक बार अगर ये इंस्टॉल हो गया तो आपके एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट, जितने मैसेजेस हैं और जितने भी आपके ऐप हैं उनको ये ट्रैक करता है और आपकी सारी एक्टिविटी को जानता है, इवन आपकी लोकेशन को जान जाता है और वीडियो कैमरा सबको ये ऑन कर सकता है और बैंक की इंफॉर्मेशन को भी इजीली ले सकता है जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। डज रीसेटिंग आईफोन डिलीट स्पाईवेयर?
क्या ऐसा है कि रीसेट करने फोन तो स्पाइवेयर डिलीट हो जाएगा? व्हाइल फैक्ट्री रीसेट डज रिमूव ऑल योर डेटा इंक्लूडिंग द स्पाई ऐप फ्रॉम द डिवाइस, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट द स्पाइवेयर विल बी इंस्टॉल्ड अगेन. When the data is backed up, the spyware app also get backed up to iCloud. और एक बार हम आपको बता चुके हैं, जब malware आता है तो उसके साथ अगर आप factory reset करते हैं तब भी data इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि जो आपने backup बनाई है उसमें उसका कुछ part अगर रह जाता है malware का तो वो फिर से reinstall हो जाता है. What is a zero click attack? A zero-click attack is a remote cyber attack that does not require any interaction from the target to the compromiser. To put it simply, zero-click attack can take place without the target clicking on malicious website or an app. आप क्लिक नहीं भी करते हैं तब भी आपके उसमें जब malicious software install हो जाता है तो वो zero-click attack कहलाता है. One of the worrying aspect of Pegasus spyware is how it has evolved from its earlier spear phishing method using text, link or message to zero click attack which do not require any action from the phone's user. Without a doubt, the most powerful spyware and almost impossible to detect or stop. ऐसा माना जाता है कि Pegasus spyware सबसे powerful स्पाईवेयर है जो जिसको न डिटेक्ट किया जा सकता है न स्टॉप किया जा सकता है. और अर्लियर स्पिशिंग मेथड जो टेक्स्ट और मैसेज यूज करके आपका काम करता था उसी पे काम करता है. और इस पे जरूरी नहीं कि मैसेज पे कोई क्लिक करे, एक बार एक मैसेज इसमें फोन में आ जाता है तो फिर वो अपने पेगासस स्पाईवेयर को इजीली इंस्टॉल कर ले. How do zero-click attack work? तो zero-click कैसे काम करता है? Zero-click attack helps spyware like Pegasus gain control over a device without human interaction or a human error. आप कोई गलती नहीं भी करते हैं तब भी Pegasus आपके फोन पर कंट्रोल कर लेता है once it is installed in your phone. So all the awareness about how to avoid phishing attack or which link not to click are pointless if the target is the system itself. Most of this attack exploits software which receives data even before it can determine whether what is coming in is trustworthy or not, like an email client. अब ये totally depend करता है कि आप अपने फोन को बचा पाइए. उसके लिए आपको हमेशा इंफॉर्मेशन को कोई भी सॉफ्टवेयर को ट्रस्टवर्दी प्लेसेस से इंस्टॉल करना चाहिए और लाइक ईमेल क्लाइंट्स जो वो ट्रस्टवर्दी हो, अदरवाइज Pegasus को आने से कोई रोक, वन क्लिक अटैक को कोई नहीं रोक सकता. कैन जीरो क्लिक अटैक बी प्रिवेंटेड? क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जीरो क्लिक अटैक आर हार्ड टू डिटेक्ट विद इन देयर नेचर एंड हेंस एवर हार्डर टू प्रिवेंट, क्योंकि उसका पता ही नहीं लगता है तो उसको प्रिवेंट करना बहुत कठिन है. डिटेक्शन बिकम इवन हार्डर इन एनक्रिप्टेड एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो विजिबिलिटी ऑन डेटा पैकेट्स बीइंग सेंट और रिसीव्ड. और एनक्रिप्टेड एनवायरनमेंट में तो और भी कठिन है क्योंकि जो पैकेट्स जा रहे हैं आ रहे हैं वो उनको आप देख ही नहीं सकते हैं और वो अपना काम करता रहता है. वन ऑफ द थिंग यूजर कैन डू इज इंश्योर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट सो दैट दे वुड हैव द पैचेस फॉर एटलीस्ट वल्नरेबिलिटी दैट हैव बीन स्पॉटेड. ऑल्सो इट वुड मेक सेंस टू नॉट साइड लोड एनी ऐप एंड टू डाउनलोड ओनली वाया गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर. तो इससे इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर लीजिए वो ट्रस्टवर्दी प्लेसेस से लीजिए जिसमें वल्नरेबिलिटी हो. पैचेस को डाउनलोड करते रहिए, अपडेट करते रहिए सॉफ्टवेयर को, और गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से ही सॉफ्टवेयर को लीजिए, अदरवाइज इट कैन हैक योर कंप्यूटर. If you are fearful, one way to go is to stop using app altogether and switch to the browser for checking mails or social media even on the phone. Yes, this is not convenient but it is more secure, suggested expert. आपको ये अगर आपको डर लगता है apps को लेने में use करने में switch to browser for checking mail. तो mail को
ब्राउज़र में जाके चेक करें, और सोशल मीडिया इवन ऑन फोन भी, फोन में भी, और जो थोड़ा कठिन है लेकिन जाकर अगर मेल से आप चेक करके और प्रॉपर जगह से ऐप्स को लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी कुछ प्रिवेंट हो जाएगी। फुल्ली तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इट इज़ अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर एंड फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So thank you viewer, if you like it please share and subscribe.